अगर आप 10th पास हैं तो आप भी सरकारी नौकरी कर सकते हैं बिना एग्जाम दिए। बिल्कुल ये उनके लिए अच्छी खबर है जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और जो 10th पास हैं। बिना एग्जाम दिए आप लोग जो हैं ये नौकरी कर सकते हैं। जो सिलेक्शन जो है बिल्कुल मेरिट बेस पे होने वाली है और जितने 10वीं में आपने नंबर लाए होंगे उसी के मेरिट बेस पर आपकी जो है वो सिलेक्शन होगी। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की लेकिन वो 10वीं तक तो पढ़े हैं। ये मौका उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि उनका गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना जो है वो पूरा हो सकता है, जिसके लिए सरकार ने 44,228 वैकेंसीज जो है वो निकाल दी हैं और ये वैकेंसीज जो हैं पोस्ट ऑफिस में हैं ग्राम डाक सेवक की। और फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि 5 अगस्त को इसके फॉर्म जो हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। अभी इसके फॉर्म लग रहे हैं तो आप लोग भर दें, लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना होगा। और आपको किस वेबसाइट पर जाना है उसके बारे में जो है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है आपको जाना है इंडियन पोस्ट गार्ड soonline.government.in पर जाना है आपको, और आपको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। आखिरी तारीख जो है वो 5 अगस्त 2024 है। कोई इंटरव्यू नहीं देना, कोई वाइवा नहीं होगा, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पर ही होने वाली है। और इंडियन पोस्ट में जो ये जॉब जो है वो निकाली गई हैं जिसका नाम है ग्रामीण डाक सेवक, 44,228 है। और एक बार आप दोबारा से सुन ले, इंडिया पोस्ट GD soonline.gov.in पर आप लोगों को जाना है। यानी अब आप सुनिए कि किस किस तरह से यहाँ पर कितनी आपको जो है वो सैलरी मिलने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी जो है यहाँ पर बहुत अच्छी है, जिस तरह से मैं आपको बता दूँ 10,000 से लेकर 29,380 तक यहाँ पर सैलरी दी गई है। और ये सिलेक्शन आपकी तभी होगी जितने आप लोगों ने 10वीं में जो है वो मार्क्स लाए होंगे। उसके साथ साथ आपको मैं ये बता दूं, जो आपने 10th पास की होगी वो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भी कर ली हो, वो बोर्ड बिल्कुल पूरी तरह से मेंशन होना चाहिए और जिस एरिया से आपने 10th पास की है वहाँ पर होना चाहिए। और कैंडिडेट जो है वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि आखिरी तारीख जो है वो 5 अगस्त 2024 है। जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, यानी 100 रुपया है। एप्लीकेशन फ़ी जो SC ST और PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए जो है वो पूरी तरह से फ्री रखी गई है। यानी अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपकी कितनी उम्र है तो आप लोग जो हैं वो जॉब कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ग्राम डाक सेवक की जो वैकेंसीज हैं ये पूरे भारत में और 23 सर्कल्स के साथ जो है इस रिक्रूटमेंट को जो है नोटिफाई किया गया है। अब तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर एज क्राइटेरिया को लेकर परेशान होंगे। जिनकी उम्र 18 से 32 साल है वो अगस्त 5, 2024 तक पोस्ट ऑफिस के फॉर्म भर सकते हैं जो ग्रामीण डाक सेवक है। और जिसके लिए जो हैंडसम अमाउंट है उन्हें दिया जाएगा वो 10,000 से लेकर 29,000 रुपये तक दिया जाएगा। और आपको बता दें कि पूरी तरह से जो है वो गवर्नमेंट नौकरी यानी सरकारी नौकरी है। अगर आपने भी 10वीं पास की हुई है और आप सपना लेकर ये बैठे थे कि आप 10वीं पास पर जो है वो सरकारी नौकरी कर सके, विदाउट इंटरव्यू, विदाउट वाइवा, विदाउट रिटन टेस्ट, सिर्फ आपके मेरिट बेस पर आपकी सिलेक्शन होगी। टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं और इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें।